बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक रेजोनेंस इन एयर कॉलम, रेजोनेंस इन एयर कॉलम, जिसको आर्गन पाइप भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल है हमारा फर्स्ट ईयर का। उसमें हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम पानी लेते हैं और यहाँ एक पॉट है मेटालिक, ये फिक्स्ड है अनस्टैंड, इसके साथ यहाँ फेस के ऊपर मीटर और लगा होता है, ये एक रॉड के ऊपर ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हैं। इस पॉट को होता जी है कि इसके अंदर पानी डाला जाता है और पानी जब डालेंगे तो जाहिर है ये पानी जो है यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे आ जाएगा और ये अपना लेवल जो है वो ट्राई टू मेंटेन द लेवल। शुरू में हम थोड़ा सा ये ओपन एंड रख, ये ओपन एंड हो गया और ये पानी का लेवल हो गया, तो ये जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल एयर कॉलम। तो शुरू में हम इसको कोई 5-6 सेंटीमीटर्स की डेप्थ दे देते हैं जस्ट टू स्टार्ट। अब जब हम स्टार्ट कैसे करना है, ये हमने मैनेज कर लिया कि पानी का ये लेवल हमने देख लिया और ये 5-6 सेंटीमीटर्स इसकी ये डेप्थ है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये एयर कॉलम बन गया। तो अब एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड, ये है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक जिसको होल्ड करेंगे ऑन द ओपन्ड एंड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब। तो जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करती है तो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। तो क्या होगा कि ये कंप्रेशन आएगा, यहाँ से वापस जाएगा एज अ रेयरफेक्शंस। अगर इंसिडेंट कंप्रेशन और रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन मिल जाते हैं या इंसिडेंट रेयरफेक्शन रिफ्लेक्टेड रेयरफेक्शन से मिल जाता है तो वी गेट द लाउड साउंड्स और हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस हुआ, हम कहते हैं ये मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, हम कहते हैं ये स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी और उसकी पहचान बहरहाल यही होगी कि वी गेट द लाउड साउंड्स। तो शुरू में हमें कोई आवाज़ नहीं आती। अब क्या करते हैं, हम पानी का लेवल जो है वो नीचे करते हैं, इस बर्तन को नीचे करेंगे और साथ साथ पानी का लेवल भी खुद ब खुद जो है वो नीचे होता जाएगा। शुरू में हम एक एक सेंटीमीटर्स नीचे करेंगे, 7-8 सेंटीमीटर्स कर दिया, मीन जी आप कॉलम की डेप्थ जो है वो ज़्यादा हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसको चेक किया, उसी तरह वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स को ऊपर होल्ड किया, वेदर वी गेट द लाउड साउंड्स, इफ़ इट इज़ सो तो नहीं, अभी नहीं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है दैट विल कंटिन्यू टिल वी गेट द लाउड साउंड्स। ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि पानी का लेवल नीचे किया, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स को होल्ड किया एट द ओपन एंड और आवाज़ को सुनने की कोशिश। तो ये एक दफ़ा नहीं आया, फिर नहीं आया, तो ये कम से कम 15-16 सेंटीमीटर्स के ऊपर जाके जो है ना ये आवाज़ हमें आया करती थी। तो बहरहाल ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मूव करते जाएं पानी का लेवल नीचे, करते जाएं और किसी न किसी पोजीशंस के ऊपर आके ये हमें वी गेट द लाउड साउंड्स। तो इस लाउड साउंड्स की मैं फिजिक्स आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है इस वक्त।
कि जब ये प्रॉन्ग अपनी इस पोजीशन से ए से बी की तरफ आती है, इट प्रोड्यूस कंप्रेशन। वो टाइम जिसके अंदर प्रॉन्ग ए से बी आती है, कंप्रेशन प्रोड्यूस करती है, वो कंप्रेशन इस एयर कॉलम्स के अंदर मूव करके प्रोपेगेट करके यहाँ पानी तक आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है एज अ रेयर फ्रैक्शन। एंड व्हेन दिस रेयर फ्रैक्शन रीचेस द ओपन एंड, प्रॉन्ग इज देयर एट पॉइंट बी एंड रेडी टू प्रोड्यूस रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रेयर फ्रैक्शन आपस में मिल गए और एज अ रिजल्ट वी गेट लार्ज रेयर फ्रैक्शंस। अब वो रेयर फ्रैक्शन इज अगेन अनदर टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, वो नीचे आ रही है और वो टाइम जिसके अंदर ये रेयर फ्रैक्शंस ओपन एंड से पानी पे आके वापस ओपन एंड पे पहुंचती है, प्रॉन्ग ए पे पहुंच चुकी है एंड इज रेडी टू प्रोड्यूस कंप्रेशंस। ज़ाहिर है जब रेयर फ्रैक्शन जहाँ पानी से जो कि डेंसर मीडिया है वापस जाएगी एज अ कंप्रेशन, तो कंप्रेशन जब ओपन एंड पे पहुंचती है तो प्रॉन्ग इज आल्सो रेडी टू प्रोड्यूस कंप्रेशंस। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी जो कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होके पहुंचा ओपन एंड पे, दैट बिकम्स मोर कंप्रेस्ड। इसका मतलब हुआ कि कंप्रेशंस के ऊपर कंप्रेशन आ गया, रेयर फ्रैक्शन के ऊपर रेयर फ्रैक्शन आ गया, जैसे क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, वी गेट अ लार्ज क्रस्ट एंड लार्ज ट्रफ या वेव ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड। तो यही कंसेप्ट जहां भी आता है कि एज अ रिजल्ट वी गेट द लाउड साउंड, और वो पूरी लैब्स के अंदर गूंज उठती है वो आवाज़ जो है, वो ये नहीं है कि हमने कोई कान लगाना होता है, नहीं, पूरी लैब्स के अंदर सुनाई देती है। अब हम इस बात पे आते हैं कि ये किस वक्त मुमकिन होता है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, तो अब यहाँ किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी किस से मैच कर रही है, एक तरफ ट्यूनिंग फोक है और दूसरी तरफ एयर कॉलम्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं और स्टैंडिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ये मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, रेजोनेंस हुआ, जो हमारा टॉपिक है कि रेजोनेंस इन द एयर कॉलम, और उसकी फिर पहचान ये है कि वी गेट द लाउड साउंड। अब उसकी थोड़ी सी ये डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इसके अंदर वेव शेप बनाएंगे, है तो कंप्रेशन लेकिन हम इसको डायग्राम वेव वाली देंगे, लूप वाली देंगे। आप देखें कि यहाँ ये क्लोज एंड है, तो क्लोज एंड के ऊपर हमेशा नोड होता है और ये ओपन एंड है और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होते हैं, हमेशा एंटी नोड होते हैं, ये हमेशा की बात है, पक्की बात है। क्लोज एंड पे हमेशा नोड और ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड। तो ये जो लेंथ है इस एयर कॉलम की ओपन से लेकर पानी के लोअर मेनिस्कस तक, पानी के लोअर मेनिस्कस तक, ये किसके बराबर होगा, ये लैम्डा बाय 4 होगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड नोड, वो हमेशा क्या होगा, लैम्डा बाय 4 के बराबर होगा। ये हम मेजर कर लेंगे, पोजीशन ऑफ द ओपन एंड कितनी है, पोजीशन ऑफ द लोअर मेनिस्कस ऑफ द वाटर लेवल कितना है, दोनों का डिफरेंस, ये लेंथ आ गई और लेंथ जो है दिस इज इक्वल टू, लेंथ जो है लैम्डा बाय 4 के बराबर है, तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ गया, 4 है। तो एफ इज वी बाई लैम्डा, वी बाई 4L। वैसे ये प्रैक्टिकल जो हमारा होता है, क्योंकि हम तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, तो V किसके बराबर आ जाएगा, V आ जाएगा 4F इंटू L। अगर इस पे आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुरेक्शन भी बताता जाऊं, तो साइंटिस्ट की मेजरमेंट है कि ये जो एंटी नोड बना है ये ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर होता है और वो कैलकुलेटेड है 0.3D।
डी डायामीटर ऑफ दिस ट्यूब है, तो ये हमेशा ओपन एंड से कितना थोड़ा सा ऊपर 0.3 डी ऊपर होता है, तो वेयर लेंथ वेयर करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू एल प्लस 0.3 डी, और डी क्या है डायामीटर्स, तो ये फार्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ साउंड का एट रूम टेम्परेचर, दिस इज 4f ब्रैकेट में एल प्लस 0.3 डी, ये फार्मूला होता है। और अब ये है वेलोसिटी ऑफ द साउंड मेजर्ड बाय द रेजोनेंस ट्यूब अपरेटस, तो अब बताइए कि इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी रखेंगे, जो ट्यूनिंग को ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी। बड़ी अजीब सी बात है कि वेव्स की स्पीड मेजर कर रहे हैं लेकिन हम फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की कर रहे हैं। वजह जवाब ये है, जवाब रेजोनेंस मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि रेजोनेंस होगी उसी वक्त जब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द एयर कॉलम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तब स्टैंडिंग वेव्स बना करती हैं। इसी वजह से इस फार्मूले के अंदर फ्रीक्वेंसी वही लगा देंगे जो हमारे पास ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हो, ट्यूनिंग फोक के ऊपर तो लिखा होता है, और आमतौर पे जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो होता है वी नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वी टी माइनस 0.61 टी। ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमेशा होता है कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़ाहिर है हम प्रैक्टिकल तो हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं लेकिन कैलकुलेट हम जीरो पे करना चाहते हैं, तो ये वी टी निकाल लिया, ये प्रैक्टिकल से हमने जवाब आ गया, तो उसमें से 0.61 टी ये हम स्पीड ऑफ साउंड के अंदर कर चुके हैं कि फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय अमाउंट 0.61 मीटर्स पर सेकेंड्स। 1 डिग्री का राइज अगर टेम्परेचर का हो जाए ऑफ द मीडिया ऑफ द एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट 0.61 मीटर्स पर सेकेंड, या बनते हैं 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये भाई हो गया रेजोनेंस इन एयर कॉलम, और इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे आर्गन पाइप्स, वो एयर कॉलम्स जिनके अंदर हम हवा को कंप्रेसली कंप्रेस करते हैं, हवा को ब्लो करते हैं फोर्सफुली, और फिर उसमें से आवाज़ आती है, तो उन्हें हम आर्गन पाइप का नाम देते हैं। जैसे हम पहले एयर कॉलम बनाए तो ये भी एक आर्गन पाइप बन गया, तो आर्गन पाइप दो किस्म के होंगे, एक होता है क्लोज आर्गन पाइप, दूसरा होता है ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप। तो क्लोज आर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड ओपन है, दिस इज व्हाट वी कॉल ओपन सॉरी क्लोज आर्गन पाइप, और जिसके दोनों एंड्स ओपन हैं इधर भी और इधर भी, इसे कहा जाता है ओपन आर्गन पाइप, लाइक फ्लूट वो ओपन आर्गन पाइप की मिसाल है, और इस तरह क्लोज आर्गन पाइप की भी कई मिसालें हैं, डायग्राम्स बनी हुई हैं किताब के अंदर, देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले हम क्लोज आर्गन पाइप की बात करते हैं। अब क्लोज आर्गन पाइप के अंदर सबसे लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो है उसमें जो वेव शेप बनेगी, जैसे हमने एयर कॉलम्स के अंदर बनाई थी, ये वेव शेप बनेगी, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वेव शेप बनेगी, और इसमें ये लेंथ है ऑफ द एयर कॉलम एंड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, सो द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इन द क्लोज आर्गन पाइप
इज सेट अप इन दिस कंडीशन, और इसमें हम ये लिख सकते हैं कि वी सी दैट लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर, देन लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा. सो एफ वन है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वी बाई फोर एल, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर देते हैं तो नेक्स्ट रेजोनेंस कब होगी? जब ये वेव शेप बनती है इन द ऑर्गन पाइप. सो अगेन लेंथ इज इक्वल टू ये लैम्डा बाई टू होगा और इधर लैम्डा बाई फोर होगा. सो इन फिगर टू लेंथ किसके बराबर है? लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर लैम्डा. तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ गया? फोर एल बाई थ्री. सिंस एफ इज वी बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वी बाई फोर एल और थ्री का मल्टीपल दिस इज थ्री एफ वन. एफ टू सेकेंड जो हार्मोनिक है, मीन सेकेंड रेजोनेंस है, जिस तो किस फ्रीक्वेंसी पे आ रही होगी? वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थ्री टाइम होगा. और हम इसको ये याद रखना है कि सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थ्री टाइम्स. और आखिर में एक स्टेप और करते हैं, और इस स्टेप के अंदर मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, और ये है लेंथ और बराबर है लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर. दैट इज लेंथ इज लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर. दिस इज फाइव बाई फोर लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल बाई फाइव. सिंस एफ इज वी बाई लैम्डा, सो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट वी बाई फोर एल, फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज एफ थ्री इज इक्वल टू फाइव एफ वन. तो सिमिलरली एफ फोर जो होगा दिस इज सेवन एफ वन, फाइव जो होगा दिस इज नाइन एफ वन. दैट इज द हार्मोनिक्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. द हार्मोनिक्स आर ऑड मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आने का ये सवाल है कि आपको पहचान आनी चाहिए कि क्लोज ऑर्गन पाइप्स के अंदर जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल, वन के बाद थ्री, फिर फाइव, सेवन, नाइन एंड सो ऑन. इसके बाद हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप में. ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप, और इसके अंदर जब रेजोनेंस होती है तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वेव शेप बनती है इस एयर कॉलम्स के अंदर, ये लेंथ है और ये लैम्डा बाई टू के बराबर है. तो क्या लिखा जा सकता है फ्रॉम द डायग्राम लेंथ इज लैम्डा बाई टू. सो लैम्डा इज टू एल. सिंस एफ इज वी बाई लैम्डा, दिस इज वी बाई टू एल, दिस इज कॉल्ड
एफ वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई टू एल कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट हार्मोनिक की बात करते हैं, सेकेंड हार्मोनिक की बात करते हैं, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो नेक्स्ट रेजोनेंस मीन सेकेंड रेजोनेंस के ऊपर जो वेव शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, वो ऐसी बनती है। तो ये लेंथ है और यहाँ तक लैम्डा बाई टू, इधर भी लैम्डा बाई टू, और इन फिगर टू लेंथ इज लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू लैम्डा, सिंस एफ इज वी बाई लैम्डा, दिस इज वी बाई एल, दिस इज टू वी बाई टू एल, दिस कैन बी रिटन एज टू एफ वन, दिस इज एफ टू। सेकेंड हार्मोनिक, ये है सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक हैविंग फ्रीक्वेंसी डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और एक डायग्राम और बनाते हैं और उसमें हम ये वेव शेप बनेंगी फॉर थर्ड हार्मोनिक, और इसमें जो लेंथ है ये बराबर है लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, सो वी कैन राइट लेंथ इज लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, दिस इज थ्री लैम्डा बाई टू, देन लैम्डा इज इक्वल टू 2L by 3. We know that since V is equal to F lambda, F is V by lambda, V by 2L or 3 multiply ho jayega, this is 3F1 and this is F3, third harmonic. F3 is equal to 3F1, this is third harmonic. फर्स्ट को कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा सेकंड को, दैट इज़ टू एफ वन, थर्ड को देखा थ्री एफ वन, फोर को, तो फिर सिमिलरली कह सकते हैं सिमिलरली एफ फोर इज फोर एफ वन, एफ फाइव इज फाइव एफ वन, अप टू एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन। इसका मतलब ये हुआ के ओपन आर्गन पाइप के अंदर इवन और ऑड दोनों वैल्यूज, ऑड नंबर इवन नंबर्स दोनों अवेलेबल होती है। ओपन आर्गन पाइप के अंदर सभी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं एंड द हायर फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रल, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सब के सब नंबर जो हैं अवेलेबल हैं, इवन एंड ऑड बोथ। तो ये बात जो है वो याद रखनी है।